दाजी बाहर आइए, लक्ष्मी दाजी, लक्ष्मी दाजी बाहर आइए, गजब हो गया। अरे क्या हो गया, इतना चिल्ला क्यों रहा है तू, कोई मर गया है क्या? आपका बेटा नहीं, नहीं मरा नहीं, मरा नहीं, ये रहा। बापू क्या हो गया इसे, क्या हो गया मेरे लाल, तुझे क्या हो गया, क्या हो गया? पानी में डूब रहा था लक्ष्मी दास जी, इस बहादुर बच्चे ने इसे बचाया है। बेटे बेटे तेरा इतना एहसान है, इतना एहसान है, मैं मेरी जिंदगी दे दूं तो भी नहीं चुका सकता। ये ले तेरा इनाम, ये ले, हम्म, ये ले तेरा इनाम और मेरे लाल के नाम की मिठाई खा लेना। हाँ जा। ए धनिया, तू तो बनिए का भी बाप निकला रे, ये 5 रुपए क्या भीख में दे रहा है? अरे जान बचा ये तेरे लड़के की, पूरे 500 रुपए लूंगा, 500, ना एक भी कम ना एक भी ज्यादा। 500 रुपए लेगा? हाँ। न एक भी कम न एक भी ज्यादा? ए धनिया इधर मत मार, समझा क्या? क्यों? इधर छोटा दिमाग होता है, आदमी मर जाता है। छोटा बड़ा क्या, तेरे को तो दिमाग ही नहीं है साले, इंसानियत नाम की कोई चीज ही नहीं है, जान बचाने के तू 500 रुपए लेगा? ए धनिया तुम्हारी इंसानियत की बातें मेरे पल्ले नहीं पड़ने वाली है, जल्दी से मुझे 100-100 की 5 हरी पत्ती दे दे तो मैं निकलूं। और न दूं तो? तो फिर कोई बात नहीं, कल जब तेरा बेटा मुझे मिलेगा ना तो बड़ा सा पत्थर बांधकर उसे कुएं में धकेल दूंगा, फिर अपना हिसाब किताब फिट्टूस, और इसकी मिठाई है ना तू खा लेना कंजूस साला। ए रुक 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 कहाँ जा रहा है हिसाब किताब फिट्टूस करके? बेटा ये ले तेरे 5 पत्तों की हरियाली, तेरा हिसाब मेरी खोपड़ी में बैठ गया। और सुन दोबारा इस मामले में किसी पे एहसान करने मत आना। ए धनिया मैंने कभी अपने बाप पे भी एहसान नहीं किया, तो तू कौन से खेत की मूली है? तू जा ना मेरे बाप, तू जा जा तू जा। लक्ष्मीदास ये लड़के को देख, इसके तेवर देख, अरे जो तेरी लक्ष्मी लूट के लेके जाए वो किसी और से क्या नहीं करवा सकता, बड़े काम की चीज है, जानी नहीं चाहिए। इधर तू रहता किधर है? अभी तो यही खड़ा हूँ, समझ ले यही मेरा घर है। समझ गया समझ गया, इस दुनिया में अकेला है ना जिसका कोई नहीं होता, उसका लक्ष्मीदास होता है। देख ये बस्ती मेरी है तो आज से तू भी मेरा है, आज से तू मेरा बेटा है, हा? और इस बस्ती का किराया तू वसूल करेगा। ये ले धनिया, इस महीने का बस्ती का भाड़ा 32,880 रुपए 12 आने। 12 आने कम है? ये ले 150 रुपए, इसमें और भी कम है। वो मेगा दीक्षित ने नहीं दी होगी, मैं जानता हूँ। ये लड़की जब पहली बार इस बस्ती में आई अकेली, मैंने बोला इसके खाने के वांदे, इसके रहने के वांदे, रहम खाया। रहेगी कहाँ है, रहम खाया, यही पाप किया ना मैंने, यही पाप किया मैंने। अब जब मैं उसे किराया मांगने जाता हूँ, कागज पूछती है, मुझे बोलती है तेरे झोंपड़े नाजायज है, नाजायज है, मैं अखबार में लिख दूंगी, पुलिस को बोल दूंगी। ऐसे लोगों से डरना ही अच्छा है, ऐसे लोगों से डरना ही अच्छा है भाई। नहीं डरता कौन है, लेकिन जब भी मिलती है ना तो भाषण झाड़ती है, एक बार कभी भिड़ जाऊंगा ना तो ऐसे बराबर कर दूंगा उसके अखबार के। चल तू अपने राशन की बात कर यार। नहीं दिया तो? क्यों भूल गया क्या, बड़ा पत्थर कुआ बेटा फिटोस। अरे धनिया इधर मारने का नहीं, इधर मालूम है छोटा दिमाग होता है, मालूम है, देख अरे मालूम है छोटा दिमाग होता है, बचपन से मारो अभी तक मरा है क्या? शारीरिक ये ले तेरे 5 पत्तों की हरियाली ले और ऐश कर जा। क्या बापू और मेरी जेब खर्ची? आ जा बेटे आ जा तू आ जा, मेरे को 500 रुपए दिए, देख क्या हवा रही, देख साला दिन भर तो कुछ काम धंधा तो करता है नहीं है, मोटरसाइकिल चमकाते रहता है। ये ले, ये क्या 100? अरे नसीब वाला है, मेरा बाप तो मुझे 10 रुपए देता था, फिर नसीब वाला है, ऐसा बाप तुझे कहां मिलेगा? जा ऐश कर, ऐश कर जा, ऐश कर जा। काश आज इसकी मां जिंदा होती, बाप की कंजूसी की खाई में बेटा अपने प्यार को दफना रहा है। अरे करूं भी तो क्या करूं, इतना कंजूस बाप तूने देखा है? नहीं अब मरेगा तो पैसा साथ लेके जाएगा? नहीं बचपन में मां गुजर गई, हाँ इकलौता लड़का हूं और जेब खर्च 100 रुपए, अरे आज की डेट में 100 रुपए कुछ होता है क्या? कुछ भी नहीं, फिर बचाने के चक्कर में जो कॉलेज नहीं भेजा था, मुझे लगता है पैसे के चक्कर में मेरे प्यार की भी खटिया खड़ी करने वाला। ये प्यार की खटिया कैसे? मैं बताता हूँ कैसे, इधर आ ये देख ममता के लव लेटर्स, एक एक लव लेटर 25-25 रुपए का है, उसने मेरे जन्मदिन पे 25,000 रुपए खर्च किए थे, अभी 100 रुपए के साथ उसका जन्मदिन मनाया या मरण दिन?
देख इस 500 रुपए से काम चल सकता है। अरे इससे क्या होगा यार, अरे कमाल है, बच्चा समझ के कंधे पे लिया तो कान में मुद्दा है। अरे तू नहीं जानता, वो शहर के माने हुए बिल्डर योगराज की बेटी है। अरे 500 रुपए तो यूं उड़ाती है। देख प्रताप, तू कुछ भी कर, बापू को पटाके एक 5000 रुपए दिलवा दे। तू जानता है ना, तेरी बात नहीं टालेंगे। अरे ममता के होने वाले मियां, तू अपने बाप को अच्छी तरह जानता है। उसके सर के बाल झड़ेंगे तो उसका टूथब्रश बनाकर वो अपना मुंह साफ करेगा। उसके पास से 5000 रुपया लाना मतलब भूखे शेर के मुंह से बोटी छीनने के बराबर है। लगता है धनतेरस की पैदाइश है। हर बात पे लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी। लक्ष्मी भेजना तो बहू के रूप में भेजना, ताकि घर में आए और स्थिर हो जाए। और मेरी लक्ष्मी पे नजर डालने वाले का मुंह काला कर देना माँ। जय लक्ष्मी नारायण, जय लक्ष्मी नारायण वासुदेवाय, जय लक्ष्मी नारायण वासु। ये क्या प्रताप, तूने चोरी की? यार कैसी बात करता है, एक अच्छे कार्य के लिए मैंने तेरे बापू का बोझ थोड़ा हल्का कर दिया, उसको चोरी बोलता है? वैसे वो लुढ़क जाएगा तो इस लक्ष्मी का वारिस तू ही तो है। अपने जेब में हाथ डाले को चोरी थोड़ी बोलते है। कहीं बापू को मालूम पड़ गया ना, मिर्गी आ जाएगी। यार उनकी हरकतों को तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। पैसे गिनते नहीं तोलते हैं। उनका कहना है लक्ष्मी गिनने से कम हो जाती है। हर महीने का जो भी भाड़ा आता है ना, वो ऐसे सोच मत यार, फूक फूक दे, ममता के नाम फूक दे। तो ठीक है प्रताप, जो होगा देखा जाएगा। मगर पार्टी में तुझे भी आना पड़ेगा। एक काम कर, ये चेन पहन, कबर्ड में से शर्ट निकाल और जरा सेक्सी बन जा। लेकिन हमें जाना कहाँ है? लव लव, ओ यू वांट मी टू डांस लाइक माइकल जैक्सन। अरे चलना है यार, अंदर आ जाओ। बहन जी अब आपके सिवा हमें कोई नहीं बचा सकता। बहन जी कोई नहीं बचा सकता। पुलिस खिलाफ, कानून खिलाफ, सरकारी अफसर खिलाफ, नेता खिलाफ, हम आदिवासियों को बचा लीजिए बहन जी। बहन जी वहां पर वो लोग वहां होटल खोलना चाहते हैं, इस मुसीबत से हमें बचा लीजिए बहन जी। इस तरह डर डर कर कब तक जियोगे तुम लोग? हम बेबस लोग और कर भी क्या सकते हैं? पुलिस और गुंडों की ताकत मिलकर बस्ती को उजाड़ देगी, और हम बगावत करें तो भी किसके सामने? ये है बगावत। कल इस आर्टिकल के छपते ही जितने खरीदे हुए नेता है ना, उनकी कुर्सियां हिल जाएंगी, और कल तक जो तुम्हारे भक्षक थे ना, वही तुम्हारी रक्षा के लिए तैनात हो जाएंगे। वाह 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 वाह, कलम वाली भाई वाह, अखबार के दम पर गरीबों के झोपड़े बचाने निकले हैं, वाह वाह। लेकिन वो जमाना गया जब अखबार को लोग तोप समझते थे, अब तो धंधा बन गया अखबार। पैसा कमाने के लिए कुछ भी उल्टी सीधी हेडलाइन छापते हैं ये लोग। बाला साहब की चेतावनी, अडवाणी अज्ञातवास में, इमाम की गिरफ्तारी, मजाक होगा ये तुम्हारा अखबार। और एक बात जानती हो, तुम्हारे अखबार पर सुबह बच्चे हकते हैं। ये तुम्हारी गलतफहमी है, अखबार में बहुत ताकत है, तक पलट देता है अखबार। सहमे हुए लोगों में ज्वाला भड़काकर क्रांति लाता है ये अखबार। अरे 47 से कौन सा तख्त पलटा? जो लोग गीता रामायण कुरान पढ़कर नहीं जागे, वो तुम्हारा अखबार पढ़कर कौन सी क्रांति लाएंगे? सोने दो इनको, बरसों से सोने की आदत पड़ी है उनको, सोने दो। बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है तो सामने आ, उन बेबसों का हाथ थाम, जगा उन्हें। अरे जगाया तो जिंदा लोगों को जाता है, मुर्दों को नहीं। यहाँ है कौन जिंदा? ना इश्क में हो जनरेशन गैप, हम मिलके करेंगे आज। लव रैप टिंगड़ी टिंगड़ी, लव रैप टिंगड़ी। नेहा बहन, मेरे पति को फैक्ट्री जाना है, मुझे जल्दी पानी भरने दो। अच्छा भर लो। बहन तुम्हारे यहाँ तो किसी को काम पे नहीं जाना है, हमारे घर सब कामकाजी हैं। मुझे पानी भरने दो ना। ठीक है। अरे ओ उजड़े जमान, अच्छाई उतनी करो जितनी अच्छी लगे, ज्यादा अच्छाई में प्यासे रह जाओगे। अरे वो कल्याण जी भाई सूचे आ गोला बा जाओ छो। अरे एक बीड़ी तो भी उड़ाते जाओ। अरे मेरे पास एक बीड़ी है यार, वो भी बाजू वाला हुसैन भाई से मांग के ली है, इतने बचाए दे। अरे वही दे देना। अरे ये तेरे को दे दूंगा तो मेरे को उधर वादे हो जाएंगे ना, समझ तो क्या? बस समझी गए। भिखारी कहीं का बीड़ी भी मांग के पीता है, एक बंडल नहीं खरीद सकता। अरे अरे मेरा जीबा लेके चला गया, अरे मेरे काम खराब हो जाएगा। माँ मुझे भूख लगी है, चलना। माँ अभी चलती हूँ, पानी भर लूँ।
गुड मॉर्निंग कलम अली बाय। स्टुपिड, खाना बकना। कैसी होने आ बहन? ठीक हूँ, पहले आप ले लीजिए। ये भी गया। देखा, आज भी तुझे पानी नहीं मिला। तू वक्त से पहले आ जाती है फिर भी, और मैं बाद में आती हूँ फिर भी। देखा उजड़ा जवान, इसीलिए तो कहता हूँ वक्त के साथ चलो। वक्त के आगे चलने वाले भी पैसे, पीछे चलने वाले भी पैसे। अपना देख कैसा टाइम पे है साहब। माँ चलना, माँ भूख लगी, खाना देना। चलते हैं। देखा देखा उजड़े जमान, हमारे देश का भविष्य भूखा भी और नंगा भी। यहाँ सुबह लोग उठकर खाने को रोटी मांगते हैं, पढ़ने को अखबार नहीं। तू इतना समझदार है, अरे जो बातें तू मुझे सुनाता है वो जाकर लोगों को क्यों नहीं समझाता? मैं समझदार हूँ या अखबार में भी आ गया क्या? अरे जो मुंह में आता है वो बक देता हूँ। अरे मगर प्रताप, तू जो भी बकता है ना उसमें सच्चाई होती है। अरे कहीं ना कहीं छुपी हुई आग होती है। हंसता क्या है? अगर यही बातें तू लोगों को जाकर समझाएगा तो मुझे अखबार में लिखने की जरूरत क्या है? तू कहता है ना कि गरीब अखबार नहीं पढ़ते, मगर तेरी आवाज तो सुन सकते हैं। सुन लो आवाज। अब रामवाणी शुरू होगी। बचाओ मेरी माँ को, बचाओ मेरी माँ को, वरना बुआ उसे मार डालेगी। देख छोटू, आदमी एक बार किसी की मदद का मोहताज बन जाता है ना, जिंदगी भर इसी तरह गिड़गिड़ाता रहता है। तेरी माँ खुद बचा ले। मैं तो इतना छोटा हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ? क्या कर सकता हूँ मतलब, रास्ते पर बिजली के बल्ब तोड़े हैं कि नहीं? हाँ तोड़े हैं। तो फिर सोचता क्या है, माँ से एक पत्थर उठा और उस चुड़ैल के सर को बिजली का बल्ब समझ कर तोड़ दे, हमेशा के लिए झंझट खत्म। चल भाग। मेरे भाई को तो खा गई और मेरे सीने पे बैठी है। ये मुझे किसने मारा? क्या हुआ जीजी? तू रक्षा करना जानता है और सजा दिलवाना भी जानता है, न्याय क्या है ये तू अच्छी तरह जानता है, तो फिर हर बात को तू हंसी में क्यों डाल देता है? अरे खुद भी जाग और लोगों को भी जगा। अरे फिर ये जागने जगाने की बात। अरे एक कलम वाली भाई, मैं तेरे पाँव छूता हूँ, मेरे को उसल पाव खाने दे। मुझे गांधी नहीं बनना, मुझे सुभाष चंद्र बोस नहीं बनना, मैं भूखा हूँ, मुझे खाने दे, क्यों मेरे पीछे पड़ी है? समाज सुधारक बनाने चली है मुझे। पागल हो गया क्या? नाश्ता नहीं करने देती यार। गुड मॉर्निंग डैडी। गुड मॉर्निंग डैडी। गुड मॉर्निंग। दिन निकल आया फिर भी आपकी सुबह अभी तक नहीं हुई। आठ। अरे बेटी नींद पूरी ना हो ना तो मेरा पूरा दिन खराब जाता है। पहले आप मेरा आज का दिन तो अच्छा कीजिए। मुझे कुछ रुपयों की जरूरत है, मेरी कॉलेज की ट्रिप शिमला जा रही है। रुपए? ये लो तिजोरी की चाबियां, जितने पैसे चाहिए निकाल लो। थैंक यू डैडी। जा। हेलो। नींद से जागो योगराज, और आज का अखबार पढ़ो। अब तुम्हारा कांडवा गांव में होटल बनाने का सपना सपना ही रह जाएगा। अरे मंत्री होते हुए भी सुबह सुबह ऐसी मनहूस खबर सुनाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती देशमुख? अरे कौन आया हमारे बीच में? अरे वही अखबार वाली मेघा दीक्षित, और कौन? आज के हर अखबार में हेडलाइन के साथ गांव के आदिवासियों की हिफाजत के लिए लंबा चौड़ा लेख छपा है, पढ़ो पढ़ो। और तुम तो जानते हो कि उसके नाम के चर्चे दिल्ली तक हैं। और आज ही दिल्ली से कांडवा गांव की सुरक्षा के लिए हॉटलाइन पे अभी अभी मुझे फोन आया है। अब मुझे मजबूरन वहां पर पुलिस भेजनी पड़ेगी। तो फिर उस बस्ती को खाली करवाने का कोई रास्ता नहीं? बस एक ही रास्ता बचा है योगराज, और वो है चतुर सिंह चिता। था यार ये, इसको देखते लोग खामोश क्यों हो गए? तू जानता नहीं इसे? नहीं। ये चतुर सिंह चिता था। अच्छा, जुर्म की दुनिया का बेताज बादशाह। हाँ? उसकी गाड़ी का नंबर देखा? नहीं। AIK नंबर 1। मतलब? मतलब
ऑल इंडिया किंग नंबर वन। अच्छा, जहाँ जहाँ जाता है खामोशी छा जाती है। लकी नंबर एक कदा, एक कदा। अबे क्यों रोक दिया चक्कर हराम जाते, मेरा नंबर लग रहा था। अरे चुप्पे। क्या कौन था ये हराम का? चतुर सिंह जी, वो नया आदमी था, आज ही क्लब में आया था, इसलिए आपकी हुकूमत और कानून के बारे में बिल्कुल नहीं जान पाया। दयाल, यहां आने वाले हर एक आदमी को यह पता होना चाहिए कि चतुर सिंह चिता के कानों को ऊंची आवाज बिल्कुल पसंद नहीं। जी, मगर चंद्रसेन, तुम्हें यकीन है कि चतुर सिंह हमारे मामले को हल कर देगा? अरे हाल का क्या, अरे हाल का क्या बात करता है योगराज, जरा सोचने का बात है। बैठो बैठो। अरे आजकल हम जैसा नेता भगवान का कम, चतुर सिंह का चौखट ज्यादा चूमता है। अरे हमारा गॉडफादर है। चंद्र सिंह 16 आने सच कह रहा है योगराज, चतुर सिंह की हां ना में हमारी मिनिस्ट्री उलट पलट जाती है। देशमुख, और किसको उल्टाना पलटाना है? अरे नमस्कार दादा। नमस्कार, बैठो बैठो। क्या बात है भाई, आज सुबह सुबह दोनों पार्टी के नेता हमारे घर में, देश के हालचाल तो ठीक है ना? अरे दादा, देश का हालचाल कैसा भी हो, हम लोगों का हालचाल एकदम ठीक है, गिरे। और दादा इनसे मिलिए, ये हमारा शहर का जाना माना फेमस बिल्डर योगराज बाबू, खूब भालो मानोश। नमस्कार। नमस्कार। हाँ, नेता और बिल्डर साथ में, यानी कि मामला गड़बड़ है। ज्यादा ज्यादा गड़बड़ नहीं है चतुर जी, बस वही कांडवा गांव के आदिवासी बस्ती की समस्या है। वहां के आदिवासियों की जागृति ने केंद्र को झका दिया है, इसलिए मुझे वहां पुलिस फोर्स भेजने का ऑर्डर मिला है। और दादा दूसरी ओर योगराज जी का होटल हनीमून का कार्यक्रम एकदम फिट हो गया है, और ये करोड़ों का नहीं अरबों रुपये का मामला है। इस बार भी हर बार की तरह आपका बराबर बराबर का हिस्सा है। अरे भाई, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? पुलिस वालों को तुम लोग हटाओ, आदिवासियों को मैं हटाऊंगा। अरे दादा, अरे पुलिस वहां से हटेगा कैसे, उसको तो देशमुख बाबू ने ही भेजा है। लेकिन मैं भी क्या कर सकता था है? मेरे पास ऊपर से ऑर्डर आया था, क्या कर सकता था मैं? पुलिस को कहीं भी भेजना तुम जैसे नेताओं का काम, और उनको वहां से हटाना हम जैसे चतुरों का काम। क्या क्या कहा? अरे शहर में इतना बड़ा हादसा हो गया है और आपको कांडवा गांव की पड़ी है? कैसे कमिश्नर हैं आप? सुनो 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 कमिश्नर सुनो, शहर में शांति सुरक्षा और गुनहगारों की गिरफ्तारी के लिए पूरी पुलिस फोर्स लगा दीजिए। हाँ, और सुनिए, वो जो कांडवा गांव में आपने पुलिस रख छोड़ी है उसे यहां बुलाइए शहर में, बस यही मेरा ऑर्डर है। मगर इस हालत में अगर वहां कुछ हो गया तो? वहां जब होगा तब देखा जाएगा, अभी यहां हो रहा है, यहां का देखिए, यहां का सोचिए। हाँ, और मुझे समझाने की कोशिश मत कीजिए, कांडवा गांव से पुलिस हटाइए बस। रुक जाओ, इस बस्ती पर बुलडोजर चलाने से पहले तुम्हें मेरी लाश पर से गुजरना होगा। मेघा जी, हमें बचा लीजिए। ये देखिए, ये लोग गोलियों से डराकर हमें बेघर कर रहे हैं, हमारी बस्ती उजाड़ रहे हैं, हमें बचा लीजिए मेघा जी, हमें बचा लीजिए। अरे तुम सब कहाँ रहो, 10-15 गुंडों का मुकाबला तुम पूरा गांव मिलकर नहीं कर सकते? अबे ओ सामना करने वाली, एक दूंगा ना तो बोलते हुए जुबान बाहर निकल जाएगी, तू है कौन हमारे बीच में आने वाली? क्या ये वही अखबार वाली है? हाँ हाँ, मैं वही अखबार वाली हूँ। अरे ये भाड़े के टट्टू, तुम्हारी धमकी बमकी यहाँ नहीं चलेगी, चलो बाहर निकलो यहाँ से। चला दो बुलडोजर, मिटा दो सारी बस्ती को। नमस्ते। नमस्ते, आइए। देख ली ना कलम की ताकत, प्रेस वाले उल्टा सीधा लिखते तो उनकी भी आजकल पिटाई होती है। लगता है तुम्हारे लिखने से गलत लोग जाग गए हैं। क्या मिला?
म्यूनिसिपैलिटी के अस्पताल की ये खटिया, यहाँ डॉक्टर नहीं खटमल खून की जांच करते हैं। आंदोलन करो तो ये हालत, भूख हड़ताल करो तो पुलिस मुंह खोलकर अंदर मौसमी का रस डाल देती है। जाने दो ना, काय को एक साफ सुथरी नौकरी करो, टाइपिंग टाइपिंग आती है। तू मुझे देखने आया या ताना देने? नहीं ताने नहीं, बताने आया हूँ। मतलब क्या है कि वो तू वहां गई थी ना, वो आदिवासी की कांडवा, कांडवा में गई थी ना, वहां वो जगह, वो वहां भी वहां मैदान हो गया, पूरा मैदान, बच्चे वहां गिल्ली डंडा खेलते हैं। कुछ दिनों के बाद वहां रिसोर्ट बनेगा, बड़ा होटल, विदेशी लोग आएंगे भारतीय संस्कृति का अभ्यास करने, फिर हमारी आदिवासियों की नंगी फोटो खींचेंगे, लेके जाएंगे, दिखाएंगे, डार्लिंग यह है इंडिया, बैड टेस्ट। तू कहना क्या चाहता है? नहीं कहना क्या, अरे अतुल तू तू बैठ, घर की बात है, बैठ बैठ बैठ। एक्चुअली द प्रॉब्लम इज क्या, मतलब एक्चुअली द प्रॉब्लम इज, अरे क्या एक्चुअली, सीधे हिंदी में बात करना, बात यह है कि शिमला में बर्फ गिरेगी तो ये आत्महत्या करेगा। शिमला में बर्फ पड़ेगी तो ये आत्महत्या करेगा? हाँ, वो ममता का ही है ना, वहाँ बर्फ गिरेगी तो उसको सर्दी होगी, उसको सर्दी होगी तो ये दुखी होगा तो आत्महत्या करेगा, ये जाना चाहता है वहाँ, भाड़े का वो थोड़ा भाड़े का पैसा, भाड़ा गाड़ी भाड़ा चाहिए, भाड़ा मतलब उधार चाहिए? नहीं उधार नहीं, तो फ्रूट्स, फ्रूट्स 30 रुपीस। थैंक यू, हाउ स्वीट, इसकी क्या जरूरत है? नहीं ये तो मेरा फर्ज है, 30 रुपीस दिए है ना, क्या 30 रुपए, क्या है कि भाड़ा नहीं देना ये कायदे से गुनाह है, पिछले 3 साल से आपने भाड़ा नहीं दिया, मैंने सोचा कि मैं जाके ये कायदा सिखाने आया है मुझे। नहीं मेरी हालत में मुझसे भाड़ा वसूल कर रही है। ऐसी क्या बात कर रही हैं आप? मैंने कहा था ना कुछ नहीं होगा, फोकट में 30 रुपए भी गए। अरे यार कमाल की लड़की है, फूल की जगह फल फेंकती है। अब मेरे शिमला जाने का क्या हो गया यार? डॉक्टर विश्वनाथ? यस डॉक्टर विश्वनाथ। हाँ क्या बात है? डॉक्टर विश्वनाथ अभिनव केमिस्ट के वहाँ, आप यहाँ की दवाइयाँ और इंजेक्शन चोरी से बेचने आते हैं ना? ए चुपे, ए किडनी चोर, ज्यादा बात मत कर, खून बेचता है यहाँ से, मेरे को सब मालूम है, मैं सबको बोल दूंगा। बंद कर मुंह, मत खोल इधर, मुंह मत खोल, तो जेब खोल, चल कितना है बोल। अरे 500 रुपए है। साला इतना कमाता है और 500 रखता है, चल हट हट, बाहर मत बोल रहे। साला तेरे जैसे गंदे आदमी से कभी पैसा नहीं लेता, मजबूरी है इसलिए। 500? अरे इससे क्या होगा यार, पूरा चक्कर घुमाऊंगा, चल। लकी नंबर लगाओ, एक का दस, दिल खोल कर लगाओ, एक का दस। इधर भी उजड़ा चमन। मैडम लगता है आज आपका लक फेवर नहीं कर रहा। अरे चल प्रताप, चल कहीं और चलते हैं यार, चलना यार। चल 500 रुपए लगा देते हैं, बनी तो बनी, नहीं तो अब दिल गनी। अरे कुर मिला के 500 रुपए हड़पे हैं, वो भी चलेगा तो पेट्रोल के भी वांदे हो जाएंगे। रात को कौन पेट्रोल देखता है यार। अरे तेरे को भी धनिया की आदत है मालूम नहीं, यार छोटा मगज। हाँ मालूम है। चल ए उजड़े चमन, अंधेरे में चश्मा पहनकर लोगों को उल्लू बना रहा है, आंखें तो ठीक है ना तेरी? मेरी आंखें बिल्कुल ठीक है, ये देखो। लगता है तुम्हारी आंखों में कुछ खराबी है। क्या बकवास करते हो, कौन हो तुम? अरे क्या बात कर रहे हो, आप इन्हें नहीं जानते? ये शहर के मशहूर आई सर्जन डॉक्टर झुंझुनवाला है। डॉक्टर झुंझुनवाला? डॉक्टर साहब मुझे माफ कीजिए, प्लीज बताइए ना मेरी आंखों में क्या खराबी है। मेरी आंखों में आंखें डालकर देखो। अब तुम वही करोगे जो मैं कहूंगा। अतुल लगा दे 500 की हरियाली। तो ये मेरे 500 रुपए 31 नंबर पे। 31 31 3 के ऊपर 1 घुमा दे चक्कर। ये आपके 5,000। उजड़े चमन, 5,000 के कितने होते हैं? 50,000। अतुल तो घुमा दो चक्कर 5,000 का 33 नंबर पर।
शिमला जाएगा, ओए मिल गए 50,000, तू गाना गाएगा। तूने मेरे साथ विश्वासघात किया, चोरी से 5,000 कहाँ गए? मैंने चोरी की लेकिन अच्छे काम के लिए। सुन, करोड़ करोड़ बना देगा उसका। तुम दोनों साले करोड़पति को रोड़पति बना दोगे? मेरे घर में नहीं रहने का, बाहर निकल। मेरे को बाहर निकल, मेरे को खाने दे, बाद में निकलना। बाहर तू मेरे लिए बाहर निकल। सलाम अलैकुम इस्माइल भाई। राम राम कल्याण जी भाई। कल्याण जी भाई, किसी ने सच कहा है, अगर पेट में दाना पानी ना हो तो रात को नींद उड़ जाती है। जो बे उजड़े चमन सुनाता किसको है? तेरे पास उधार मांगने नहीं आया? लाखों लोग सड़क पर भूखे सोते हैं, एक दिन भूखा सो जाऊंगा, मर नहीं जाऊंगा। और ज्यादा बकवास मत कर, सर पर दो छाक बचा है ना, वो भी उखाड़ दूंगा। आई तू जा, तू जा। प्रताप, बीड़ी जो ये साला एक बार बीड़ी क्या मांगी, भिखारी समझता है क्या? ये ले पूरा डाल ले, सवारी का माल से ले। लाख लाख मारा, क्या भोग लगे, सुतेला सांप ने जगाड़ी। बीड़ी जो ये मैं आपके लिए खाना लाया हूं। तूने खाया? माँ ने आधा खिलाया और आधा अपने हिस्से का मेरे लिए भेज दिया, है ना? देख छोटू, आज तक मैंने किसी के हिस्से की भूख प्यास नहीं छीनी। जा अपने हाथों से अपने माँ को खिला, जा। एक बात पूछूं मामा? क्या कहा? मामा। वाह छोटू वाह, मैं तो रिश्तों को भूल ही गया था, तूने वापस याद दिलाया। चल पूछ, क्या क्या पूछना है? मामा, बचपन में अगर तुमने अपनी माँ से कहानी सुनी होगी तो मुझे भी सुनाओ ना। जा अपनी माँ को खाना खिला, जा सुनाओ ना कहानी। छोटा मुझे देख मामा, बचा लो मेरी माँ को, बचा लो मेरी माँ को, बचा लो मेरी माँ को, बना लोगों तुम उठा के लेके जाएगी, बचा लो मेरी माँ को। अरे जो है तुझ पर सर, ये आप एक विधवा का अपमान हो रहा है और तू हंसकर अपना विवाह जता रहा है। मामा बचा लो मेरी माँ को मामा। अरे ये क्या बचाएगा मुझे, ये तो एक औरत की लाचारी पर हंस रहा है। अरे चुप कर, शर्म तो तेरे को आनी चाहिए। आज बचाऊंगा, कल कौन बचाने आएगा तेरे को? औरत इसलिए नहीं कोठे पर बैठती क्योंकि वो बेबस है, इसलिए बैठती है क्योंकि वो जंग लड़ना नहीं चाहती। कुत्ते की तरह जीने की आदत पड़ी है सबको। अरे इज्जत से जीना है तो खुद लड़ना सीखो। ऊपर वाले ने हाथ दिया है लगे फैलाने, मुंह दिया है लगे गिड़गिड़ाने, बचाओ बचाओ कौन आएगा? अरे दांत सिर्फ खाने चबाने के लिए नहीं है, काटो उसको। अरे वो डंडा उठा, फोड़ दे उसका सर, हम तमाशा देखेंगे। क्यों कलम वाली भाई? एक औरत को धंधे पर बिठाना चाहते हो तुम? छोड़ोगी तुम लोगों को, कमीने कुत्ते। मुझे बेचना चाहती थी। अरे मुझे छोड़ो, अरे मुझे बहुत मारा तूने मुझे, कल से पानी भरे तो ही जाएगी। हाँ मैं जाऊंगी, छोड़ दो मुझे, मैं चली जाऊं। अरे कहाँ छोड़ दे, कहाँ चला था, कहाँ देखा? प्रताप देखिए अपनी जुबान की ताकत, इन लोगों में क्रांति की ज्वाला सिर्फ तुम जगा सकते हो। अरे छोड़ना ज्वाला की बात, यहाँ बीड़ी जलाने के लिए माचिस दूसरे के पास मांगनी पड़ती है। क्रांति की बात एक होने पे तेरा बाप हूँ। चलो चलो भाई अपने अपने घर पे जाओ, चलो। अरे कल्याण जी, इस्माइल, हाँ ये है ना साला, तुम्हारी वजह से बिगड़ा ही है। भाई तेरा मुनी मुंह लोग क्या कहेंगे? तो क्या कर रहा है वहाँ पे? आप साले गुंडे मोबालियों के साथ में, नहीं तो तेरे को दो वक्त खाने की रोटी नहीं मिलती। क्या क्या बकबक कर रहा है? अरे इधर मारना नहीं, छोटा मगज होता है, आदमी मर सकता है। अरे चल अंदर चल, तेरी वजह से खाना नहीं खाया मैंने, चल। क्या आसरा है?
क्या आसरा है? तेरा कैरेक्टर मेरी खोपड़ी में नहीं बैठता। अरे नहीं बैठे तो ना सही। तू मेरे को एक बात बता पहले। क्या? मेरे पैसे से तुम लोग दोनों आंकड़ा खेलते हो? मटका बटका तो नहीं खेलते हो ना? दारू बारू पीते हो? बीड़ी की बात आती है, मुंह बंद कर बेटे। करते हो ना? अरे कलम अली भाई, एक बच्चे के साथ कैसी गंदी बात करता है? ऐसी गंदी चीज नहीं करना बेटे। तो फिर मेरी लक्ष्मी को क्या तुमने फिल्म लाइन में डाला है? कन्फर्म करोड़, 1 करोड़। चल खाना खा के गाना गाते।